नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंधाड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी ब्लॉक रिवालसा में बतौर बायोलॉजी प्रवक्ता कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और ZIIEI का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है जिसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ब्लॉक, अपने स्टेट ही नहीं, बाहर के पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के टीचर्स के आइडियाज़ को अपना कर अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसके लिए मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, स्कूल्स बंद हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था कि बच्चों की पढ़ाई इसमें बहुत डिस्टर्ब होगी, लेकिन जब ये ऑनलाइन क्लासेस का शुरू हुआ तो टीचर्स ने बहुत एफर्ट करके ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की ली, और जहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी नेट वगैरह की, वहाँ पर टीचर्स ने ऑफलाइन क्लासेस भी ली, लोग बच्चों के घर जाकर भी उनको पढ़ाया। तो टीचर्स भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं इस दौरान, इस पेंडेमिक में, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है उसका लॉस ना हो सके। इसी एफर्ट को आगे बढ़ाते हुए श्री अरबिंदो सोसाइटी ने भी हम लोगों की वर्चुअल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और हम लोगों को वर्चुअल ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो जैसा अभी हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, हमारे 8 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं अर्नब सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सभी 8 मॉड्यूल्स के बारे में समझाया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके जितने भी स्किल लेवल्स हैं उनको बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लियर किया, और हमारे और ये सारे जो स्किल्स हैं इनको अपनाकर हम अपनी टीचिंग लेवल, इवन बच्चों के लर्निंग लेवल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ने हमें इनोवेटिव पाठशाला के बारे में भी जानकारी दी, तो मैंने जब उस ऐप को डाउनलोड किया, मैंने देखा वो जो ऐप है बेसिकली वो प्राइमरी सेक्शन के लिए है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें बहुत से मेथड्स दिए गए हैं, बहुत से ट्रिक्स दिए गए हैं जिससे कि हम बच्चों की डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं प्राइमरी सेक्शन में, 20-30 स्टूडेंट्स पर क्लास होते हैं, तो हर बच्चे का लर्निंग लेवल अलग होता है। तो इनोवेटिव पाठशाला ऐप की हेल्प से हम लोग हमें बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं ताकि हम हर बच्चे की क्यूरियोसिटी को सॉल्व कर सकें, हर बच्चे के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें ताकि वो इजीली लर्न कर सकें। मैं तो हायर क्लासेस को पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से मैं इनोवेटिव पाठशाला की जो ऐप है उसके जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी तरीके उन्होंने बताए हैं उसमें, उनको अपने क्लास के ऊपर अप्लाई तो नहीं कर पाई, बट मैंने कोशिश की कि जितने भी मेरे प्राइमरी सेक्शन वाले फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ इस ऐप को शेयर करूँ। और जब मैंने उनको इस ऐप के बारे में बताया और उन्होंने भी उस ऐप को डाउनलोड किया, तो उन्होंने भी देखा कि दिस ऐप इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव और वेरी यूज़फुल। छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जब और ज़्यादा आइडियाज़ हम लोगों को मिलते हैं तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को उनके कंसेप्ट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो उस ऐप के लिए बहुत अप्रिशिएशन प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स की वजह की तरफ से भी मुझे मिली, तो थैंक्स टू ZIIEI कि उन्होंने ये इनोवेटिव पाठशाला का ऐप जो है उसको डेवलप किया। मैं आशा करती हूँ कि, और मुझे पूरी होप है कि ZIIEI और श्री अरबिंदो सोसाइटी के साथ मिलकर हम सभी टीचर्स ऐसे इनोवेटिव मेथड्स को डेवलप कर पाएंगे जो हर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू श्री अरबिंदो सोसाइटी एंड ZIIEI कि वो ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं और हम टीचर्स को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से अपना जो नॉलेज है उसको बच्चों तक पहुँचा सकें और बच्चों के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।